हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हैशटैग घर का खाना टेस्ट वही सोचने के साथ में। मैं हूं आपकी होम कुक स्वाति और आज हमारे किचन में हम बनाने जा रहे हैं चिल चाउमीन। दिट इज रियली वेरी इजी नूडल्स, सबका फेवरेट होता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने क्या किया है कि एक कढ़ाई में मैंने एक टेबल स्पून ऑयल गरम कर लिया है। इसमें बारीक कटे हुए लहसुन और मिर्चा मैंने मिला दिया है। इसमें मैंने ग्रेटेड जिंजर यानी कि अदरक मिला दिया है और इन्हें एक मिनट तक मैं अच्छे से सॉर्ट कर लूँगी। एक्चुअली जो नूडल्स बनाने की ये ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ, दैट्स रियली वेरी ईजी एंड सिंपल, और इसका यूज़ करके आप ना झटपट अपने घर पर जब मन चाहेगा तब आप इस तरह से नूडल्स बना सकेंगे। सो ये जब सॉर्ट हो जाएंगे यानी कि जब अच्छे से भून जाएंगे तो इसमें मैं बारीक कटी हुई स्प्रिंग अनियन यानी कि हरा प्याज मिला दूंगी और इसे भी मैं सॉर्ट कर लूँगी। अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी बारीक कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च। एक्चुअली जो ये मेरी विधि है, ये जो रेसिपी है नूडल्स बनाने की, वो तब की है जब आपके घर पे आपके पास कोई भी इंग्रेडिएंट्स ना हो। ऐसे कंडीशन में आप कैसे बिना किसी वेजीज के एक स्वादिष्ट नूडल्स आप तैयार कर सकते हैं। सो ये देखिए मैंने इन्हें सॉर्ट कर लिया है अच्छे से और 5 मिनट तक मैंने मॉडरेट फ्लेम पर ढक करके पका लूँगी जिससे कि सब्जियाँ जो हैं वो अच्छे से पक जाएँ। के बाद जब मैं इन्हें खोलूंगी तो सब्जियां हमारी जो है वो पक चुकी हैं। तो अब इसमें मुझे बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देने हैं जो कि हमारे सॉसेस हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें मिला दूंगी करीब 2 टेबल स्पून ऑफ टमाटो केचप यानी कि टमाटो सॉस, 2 टेबल स्पून ऑफ ग्रीन चिली सॉस, 2 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस एंड वाइट विनेगर मिला दूंगी। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी हमारी ऑलरेडी कुक की हुई नूडल्स यानी कि जो हमारे ये नूडल्स हैं जिन्हें मैंने पका लिया था पानी में और ठंडे पानी से ड्रेन करके मैंने इन्हें रखा था। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और करीब 5 मिनट तक मैं इन्हें इसी तरह से 2 बड़े चम्मच के थ्रू या आप स्पैचुला के थ्रू इन्हें आप मिक्स करिए अच्छे से, और उसके बाद में फिर आप इन्हें ग्रीन स्प्रिंग अनियन के साथ में अच्छे से और ऊपर से बाकी सारे सॉस मिला करके अपने स्वाद अनुसार इन्हें आप सर्व करिए। सो तैयार हो जाएगी आपकी नूडल्स। सो देखिए मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। थोड़ा सा सॉस मैं इसमें ऊपर से और ऐड कर दे रही हूँ। टू इनहेंस द टेस्ट यानी कि मैंने यहाँ पे मिला दिए हैं सोया सॉस, चिली सॉस एंड टमाटो केचप। मिक्स करके अगेन मैं इन्हें गर्मा गर्म सर्व करने जा रही हूँ, खाने जा रही हूँ। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस रेसिपी और अगर हाँ अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।